हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले मार्केट देखते हैं। निफ्टी 100 पॉइंट आपका, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट आपका, ऑलमोस्ट 1.5%। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट था। सो बेसिकली आज आइदर ग्रीन और आइदर फ्लैट था, राइट? सो बैंक निफ्टी वॉज द बेस्ट इंडेक्स परफॉर्मिंग इंडेक्स टूडे, उसके बाद निफ्टी एंड देन स्मॉल कैप। सो सबसे पहले देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको डेली का बताऊंगा। तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, माइनर पुल बैक दिख रहा है मंथली में, वीकली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड पुल बैक हो रहा है। डेली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट था, पुल बैक हुआ, उसके बाद कॉन्सोलेशन हुआ, और ये जो रेंज था जो मंडे का पैनिक का उसके आसपास ही कहीं ना कहीं बजा ट्रेड। यहाँ पे ऊपर में नहीं टिका जब ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो बाजार नहीं ठीक है, राइट? एंड इट इज अ परफेक्ट आइडियल सिनेरियो अगर ट्रैप करना है सेलर्स को और लॉन्ग को कैपिटुलेशन करना है, तो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होने चाहिए, जो कल हमने डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली आज मार्केट ने गैप डाउन किया वहां पे 15 मिनट में, अब देखेंगे 15 मिनट का कैंडल में गैप डाउन हुआ, फिर एक सेलिंग आया एंड वहां से बाइंग आया, फिर कॉन्सोलेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट आया। यार तो बेसिकली आइडियल सिनेरियो था कैपिटुलेशन करने का, एंड मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक वी आर सेटिंग अप द बॉटम। अब बॉटम कब कंफर्मेशन होगा? जब हम बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाएगा तो माइनॉर का भी ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, जो अभी नहीं है, राइट? सो नाउ आइडियल सिनेरियो इज मार्केट शुड क्रॉस दिस, फिर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन करे, पुल बैक करके और फिर ब्रेकआउट आए, तो दैट विल लीड्स टुवर्ड ऑल टाइम हाई। या और जो कल हमने डिस्कस किया था कि लो काटने का, तो एग्जैक्टली लो काटा है, गैप डाउन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया है। या सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट आर द सिनेरियोस इन फ्रंट ऑफ अस। सो फॉर टुमारो मान लो 24,780, 24,760 के जोन में आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 24,900 से 920। जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 25,080 से 25,060। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे ही इसको बाजार ब्रेक डाउन करेगा तो सेलर्स को एक तकलीफ क्रिएट होगा, तो सेलर्स विल पुश मे बी टुवर्ड्स 25,150 से 170, देन 25,230 से 250। एंड जैसे ही ये जोन क्रॉस कर देगा तो मार्केट नेक्स्ट क्लिक करेगा 25,420 से 450, एंड उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई की तैयारी करेगा। तो कल अगर बाइंग ये इंटैक्ट है तो ये एरिया में कहीं ना कहीं बाइंग आना चाहिए। अगर पुल बैक में अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाता है 24,750 के नीचे, फिर ब्रेक डाउन आता है, तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट, बट डोंट लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट हियर, अदरवाइज देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट विल ट्रैप यू। या सो आई होप यू आर क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉन्सोलिडेशन चल रहा है। फिर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक आया हुआ है। देन इफ यू लुक एट द डेली चार्ट में भी देखेंगे आप तो डीप पुल बैक आया हुआ है, एंड जो मंडे का पैनिक था उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज फिर से क्लोज करने की कोशिश किया, एंड दैट्स अ गुड थिंग, राइट? एंड नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। सो माइनर टाइम फ्रेम जैसे ही 52,400 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो माइनर भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड उसके बाद जब सस्टेन करेगा तो कंफर्म भी हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द, सो आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था ये लिटिल बिट एग्रेसिव बाइंग एरिया है। यहाँ पे पहले 15 मिनट में मार्केट खाली हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद 350 जो हमने लेवल बोला था उसके ऊपर सस्टेन हुआ, और उसके बाद एक बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज मिला। सो हाउ मेनी ऑफ यू कुड कैच दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? ये 350 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ और फिर ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का आपको आज रैली मिला बाजार में। या सो मार्केट बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेयर टू निफ्टी। आज बैंक निफ्टी ने बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप में ले लिया है। सो फॉर टुमोरो देर इज अ टू एरियाज, आइदर 51,800 से 820 के एक जोन में आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, विल लुक लॉन्ग, आइदर मार्केट यहाँ पे ही कॉन्सोलिडेशन करे और फिर ब्रेकआउट करे, देन आई विल ऑल्सो लुक फॉर लॉन्ग। और नेक्स्ट एरिया इज 52,450 एंड 52,525। जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन कर देगा और फिर ब्रेकआउट आएगा तो समझ लो बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी फॉर ऑल टाइम हाई एंड अबव। या
सो दैट्स अ ग्रेट मैसेज. अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लास्ट काफी दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया है. वीकली भी देखेंगे तो लास्ट वीक के ऊपर क्लोजिंग दिया है. मंथली भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जैसा है, ऑलमोस्ट 1.67% डाउन है. सो द चांसेस बैंक निफ्टी मान लो यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाए, फिर यहाँ सस्टेन फिर ब्रेकआउट आए तो दैट विल लीड्स टुवर्ड ऑल टाइम हाई. या और आज बैंक निफ्टी ने काफी सारे दिन के सेलर्स को तकलीफ में ला दिया है, और यही तकलीफ अगर ज्यादा दिन मान लो यहाँ पे कंटिन्यू रही तो फिर मार्केट गोइंग टू रेडी फॉर ऑल टाइम हाई. अब भाव 51,700 से 51,800 के नीचे में जाके सस्टेन करे और प्री ब्रेक डाउन आएगा तभी जाके आई विल शॉर्ट फॉर 51,221 or 265. सो आई होप यू आर क्लियर कैसे मार्केट में ट्रेड करना. लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स. स्मॉल कैप इंडेक्स में सुबह में क्या हुआ, एक पैनिक आया, स्मॉल कैप इंडेक्स वेंट डाउन 2% ऑलमोस्ट. फिर उसके बाद काफी अच्छा रिकवरी आया जहां पे कल क्लोजिंग हुआ था. सो स्मॉल कैप इज स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, देन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है स्मॉल कैप, देन बैंक निफ्टी, देन निफ्टी. या दैट्स द ऑर्डर फॉर द इंडेक्सेस. सो ये कंसोलिडेशन है क्या, सूनर और लेटर वी विल ब्रेक आउट एंड गोइंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, द चांसेस आर हाई, राइट? सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक मार्केट क्या अपने को अपडेट देता है. सो आई थिंक काफी लोग बोर हो जाते हैं, काफी लोग रोज नया ढूंढते हैं. जैसे कल एक पर्सन का कमेंट था कि आई वेस्टेड माय 10 मिनट्स. सो आई डोंट नो हाउ दैट पर्सन टाइम इज वेस्टेड, बट मेरा आपको ये ही कहना है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज वेरी बोरिंग. If you are looking for excitement and if you are looking for everyday new information, there is nothing called new. The trends are not change every day. The trends change होने में बहुत time लगता है. So get yourself adapted with and try to have align yourself with the market, because aligning ourselves with the market and doing one thing again and again is very difficult. That's why most of the trader become never successful in stock market, right? So, ये सब चीजें समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखिए, तो दैट विल हेल्प यू मच. सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर नेक्स्ट वीक मिलता हूँ.